तिजारत में हमको कर्ज लेना है। अब जिसके पास से कर्ज लेना है, जो जानता है वो तो हमको दे देगा, लेकिन अगर कोई नहीं जानता, जैसे मार्केट में हम बहुत सारे कर्ज देने वाले तो जो हमको जानते नहीं, तो हम मतलब वो कर्ज देने वाला जो है वो किसी और को जानता है और उसको हम जानते हैं, तो क्या हम वो थर्ड थर्ड पर्सन को ऐसा बोल सकते हैं कि आप मुझे इससे कर्ज दिलवा दीजिए और जितने का कर्ज आप मुझे दिला दीजिए, मैं आपका जो कर्ज दिलवाने का जो सर्विस चार्ज है, मतलब उसमें परसेंटेज नहीं, मतलब इतना कर्ज मिलेगा तो मैं आपको इतना पैसा आपको दे दूंगा अगर आप मुझे इसके पास से कर्ज दिला देंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या? देखिए, इसको जो है रिबस शफाआ बोलते हैं, शफात वाला सूद। वो जो जी थर्ड पर्सन है वो आपकी सिफारिश कर रहा है उस आदमी के पास या उस बनिए के पास जो आपको कर्ज देने वाला है, वो आपकी सिफारिश कर रहा है, और सिफारिश करने के बदले में अगर कोई कुछ लेता है तो उसको रिबस शफाआ यानी शफात वाला सूद कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मन शफा ले अखी है फ अहदा लहू शैअन फकद अता बाब मिन अबवाब रिबा, इस तरह के अल्फाज हैं। और कमा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर किसी ने अपने भाई के लिए कहीं सिफारिश किया, अब उसके भाई ने उस सिफारिश के बदले में कुछ उसको हदिया दिया, गिफ्ट दिया, तो ये सूद का एक बहुत बड़ा दरवाजा है जिसमें वो दाखिल हो रहा है। तो शफाअत के बदले में कुछ लेना ये सूद है, ये जायज नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो शिफात करने वाला है अगर उस शिफात करने में उसको कुछ खर्चा भी करना पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए बंबई में आप हैं, आप कह रहे हैं भाई जी दिल्ली में फला आदमी के पास मेरी सिफारिश कर दीजिए, अब वो बंबई से दिल्ली जाता है तो उसका किराया लगेगा, खर्चा लगेगा, वो ये ले सकता है। लेकिन अगर वो वहां पर जाए बगैर, कुछ खर्चा किए बगैर अगर वो सिफारिश आपकी कर दे रहा है तो वो कुछ नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसी सूरत में लेना ये सूद है। अभी जो सिफारिश की बात हुई थी शेख, उस पर एक सवाल जी भाई ने पूछा है। जी इन्होंने पूछा है कि शेख, जैसे कोई हमारा कर्ज है, यानी किस कोई हमारा मकरूज है, हमें किसी से कर्ज लेना है, तो क्या हम उससे ये बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें फलां से कर्ज दिला देता हूँ लेकिन तुम मेरा कर्ज वापस कर देना, ये शर्त लगाना और उसकी सिफारिश करना? मैं तुम्हें फला से कर्ज दिला दूंगा लेकिन तुम मेरा कर्ज वापस कर दो। हाँ, देखिए ये भी सिफारिश ही है, ये जी सिफारिश है, और इस सिफारिश के बदले में वो कुछ ले नहीं रहा है, वो तो अपना कर्ज मांग रहा है। जो उसका कर्ज है उसके पास, वो अपना अपने रकम का मुतालबा कर रहा है। अब अगर उसके अलावा कुछ और ले, वो जैसे मान लीजिए 10,000 उसका कर्ज है उसके पास, कह रहा है मैं आपको किसी और के पास सिफारिश करके कर्ज दिला देता हूँ, आप मेरा माल वापस कर दीजिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो अपना 10,000 सिर्फ ले रहा है। अगर 10,000 से ऊपर ले रहा है तो गलत है। लेकिन सिफारिश पर शेख, वो कुछ फायदा तो अपना खुद ले रहा है ना शेख, उसकी असल सिफारिश करके देखिए कुछ फायदा उठा रहा है। देखिए कुछ फायदे ऐसे होते हैं ना जिन फायदों से आप बच नहीं सकते, जो वो फायदे जो ताबे होते हैं, वो फायदे जो ताबे होते हैं उनको सूद नहीं कहा जा सकता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल बताऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जी। जैसे आपने मुझे कर्ज दिया, ठीक है, आपने मुझे कर्ज दिया, अब इस कर्ज के बदले में मुझसे आपका फायदा उठाना ये जायज नहीं है, ठीक जी है, ठीक है क्योंकि कुल्लो कर्जिन जर्रा नफान फहुआ रेबा, अगर आप कर्ज दे करके कोई फायदा उठा रहे हो तो ये जायज नहीं है। लेकिन जब जी आप मुझे कर्ज दे रहे हो तो क्या मैं आपकी तारीफ कहीं जाकर के करूं कि अरशद भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने मुझे कर्ज दिया, तो क्या ये बिल्कुल तारीफ से आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं? जी, मिल रहा है। लेकिन क्या ये फायदा ममनू है? नहीं ममनू है, क्योंकि ये ताबे है। इसी तरह से जैसे आप मुझे कर्ज दे रहे हो तो मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, ये दुआ क्या आपका फायदा है कि नहीं है? जी, बिल्कुल हाँ, तो कुछ फायदे ताबे होते हैं, वो लाजिम होते हैं, उससे आप बच ही नहीं सकते। इसीलिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने कहा कि दुनिया में कोई कर्ज ऐसा नहीं है जो फायदे से खाली हो, असल वो फायदा ममनू है जो मशरूत हो और असलन हो, ताबे ना हो।